हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं एक सॉफ्ट ब्राउन स्मोकी आई लुक, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप बिगिनर हैं या टीनेजर हैं, आप इस मेकअप लुक को इजीली क्रिएट कर सकती हैं। और इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट की ज़रूरत भी नहीं है। तो अगर आप कोई स्मोकी आई लुक ट्राई करना चाहती हैं तो ये परफेक्ट है और आप इसे इजीली क्रिएट कर सकती हैं। तो अगर आप जानना चाहती हैं कि मैंने इसे कैसे क्रिएट किया है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो सबसे पहला स्टेप है फेस को मॉइस्चराइज करने का, और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइज़र। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई सा भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकती हैं, बट याद रखिए, अगर आप चाहती हैं कि आपका जो बेस मेकअप है वो फ्लॉलेस दिखे तो आपको मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करना है। तो मॉइस्चराइज़र को कभी भी स्किप ना करें। नेक्स्ट, अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब लिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही ड्राई होंगे। तो आप अपना कोई भी फेवरेट लिप बाम यूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट, बेस मेकअप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स की बीबी क्रीम। ये परफेक्ट है एवरीडे के लिए भी, पार्टी फंक्शन के लिए भी। वैसे आपको जो पसंद हो आप यूज़ कर सकती हैं, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, फाउंडेशन, कंसीलर, जो भी आपको सही लगे। और इस बीबी क्रीम में मेरा जो शेड है वो है 01 ओरिजिनल, और इसे ब्लेंड करने के लिए मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो फिंगर भी यूज़ कर सकती हैं या ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकती हैं। और अगर आपको एक्स्ट्रा कवरेज की ज़रूरत है तो आप सेकेंड लेयर भी अप्लाई कर सकती हैं, बट सिंगल लेयर मेरे लिए इनफ है तो मैं सिंगल लेयर ही यूज़ करूँगी। कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का फिट मी कंसीलर, और इसमें जो मेरा शेड है वो है 25 मीडियम, और इसे मैं अपनी आईज़ के अराउंड अप्लाई करूँगी। और जहाँ जहाँ मुझे हाइलाइटिंग इफ़ेक्ट थोड़ा सा चाहिए मैं वहाँ पे यूज़ करूँगी। ये कंसीलर बहुत अच्छा है, चाहे विंटर में आप यूज़ करें या समर सीज़न में यूज़ करें, ट्रस्ट मी, अगर आपको बहुत ज़्यादा कवरेज चाहिए तो कंसीलर ये ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी कंसीलर है और ब्लेंड भी बहुत अच्छे से होता है। मेकअप को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट। आप चाहें तो आप लूज पाउडर भी यूज़ कर सकती हैं, बट मुझे कॉम्पैक्ट ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये फेस को एकदम से मैट नहीं बनाता है और मुझे अपने फेस को बहुत ज़्यादा मैट नहीं करना है। आईब्रोज़ को फिल इन करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल, और इसमें जो मेरा शेड है वो है ब्राउन। आईब्रोज़ को फिल इन करना कभी भी इग्नोर ना करें, ये आपके फेस मेकअप को कंप्लीट दिखाता है। तो जो भी आपको सही लगे आप पाउडर जेल यूज़ कर सकती हैं अपने आईब्रोज़ को फिल इन करने के लिए। अब आई आती है आई लुक की, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का कोल्ड पेंसिल, और जो कि है ब्राउन शेड में, और इसे मैं अपनी आईज़ पे अच्छे से अप्लाई करूँगी। थोड़ा सा थिक आईलाइनर ड्रॉ करूँगी और ये मैं अपनी क्रीज तक अच्छे से अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे एक पॉइंटेड ब्रश लिया है और उसे मैं हल्का सा ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट, और इसमें से इस ब्राउन शेड को लेके और उसी की हेल्प से मैं काजल पेंसिल को ब्लेंड करूँगी। इस काम में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, हल्का हल्का प्रोडक्ट अप्लाई करें, हल्के हल्के हाथों से उसे ब्लेंड करें, क्योंकि अगर आपने एक बार में ही बहुत अच्छे से अप्लाई कर लिया या एक बार में ही आपने ब्लेंड करने की कोशिश की तो आपका पूरा आई लुक जो है वो ख़राब हो सकता है। तो इस काम में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हल्के हल्के हाथों से करेंगे तो आपका जो आई लुक है वो परफेक्ट तरीके से हो जाएगा। सेम ब्राउन शेड को मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ। मस्कारा के लिए मैं यूज़ करूँगी मेबेलिन का कोलोसल मस्कारा, और आपको पता ही है कि मैं फॉल्स आईलैशेस नहीं वेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी आईज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और मैं कंफर्टेबल भी नहीं हूँ। आपको पसंद हो तो आप यूज़ कर सकती हैं। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का ब्लश, और इसमें जो मेरा शेड है वो आई थिंक 4 है, कोरल, नो 5 है।
और ये शेड बहुत अच्छा है और ब्लश भी बहुत अच्छा है। ये ब्लश मैट नहीं है, इसमें थोड़ी सी शीन है, थोड़ी सी शिमर पार्टिकल्स हैं। अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड आई शेडो पैलेट में जो हाईलाइटिंग शेड है उसे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा हाईलाइटिंग शेड है। काजल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एलेटीन की काजल पेंसिल, और ये काफ़ी अच्छी काजल पेंसिल है। लिपस्टिक को मैं थोड़ा सा न्यूड रखूँगी, और ये है फेसेस कैनेडा की 05 बफ न्यूड, और बहुत अच्छा न्यूड शेड है। तो एवरीडे के लिए तो परफेक्ट है ये न्यूड शेड, अगर आपको ब्राउन न्यूड शेड पसंद है तो। तो ये है मेरा फाइनल लुक। आपको ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने हमेशा यही कहा है कि अगर आपको लिपस्टिक ना पसंद हो तो लिपस्टिक आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकती हैं, जो भी आपको सही लगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, जिससे आप मेरे सारे वीडियोस देख सकें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर। बाय।